केरल भाजपा अध्यक्ष और वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार के सुरेंद्रन ने नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो किया। ये रोड शो खास इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ भाजपा उम्मीदवार के साथ केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता स्मृति ईरानी भी उनके साथ मौजूद थी। ऐसे में लोग कयास लगा रहे हैं कि जिस तरह राहुल गांधी को अमेठी की सीट पर स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था, कहीं वायनाड में भी कुछ ऐसा ही न हो। इसके साथ ही लोग कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी अमेठी से लेकर वायनाड तक राहुल गांधी का पीछा कर रही हैं। इस बीच स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। मेरा ये मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। आज नॉमिनेशन में हम सब जानते हैं कि एक प्रत्याशी को, एक कैंडिडेट को ओथ ऑफ एलिजेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेने की दरकार पड़ती है, तो राहुल गांधी संविधान के प्रति अपने ओथ को झुटला चुके हैं जब उन्होंने पीएफआई की पॉलिटिकल लीडरशिप से समर्थन अपने चुनाव के लिए लिया। मुस्लिम लीग के समर्थन से अगर राहुल गांधी इतने शर्मसार हैं कि अपनी नॉमिनेशन रैली में मुस्लिम लीग का वो ध्वज छिपा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर इतने शर्मसार हैं तो उन्हें मुस्लिम लीग का भी समर्थन ठुकरा देना चाहिए।